अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के विधानसभा क्षेत्र सुलह में कांग्रेस सरकार में सीपीएस रहे जगजीवन पाल को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। हालांकि मामला दो दिन पुराना है, पर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति पूर्व सीपीएस और सुलह के पूर्व विधायक जगजीवन पाल को सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारता दिख रहा है। पूर्व सीपीएस ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या था मामला। सुलह विधानसभा क्षेत्र में रड़ा में एक पंचायत भवन का शिलान्यास करने विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार पहुंचे थे। वहीं रड़ा पंचायत के प्रधान और उप प्रधान ने इस शिलान्यास की किसी भी प्रकार की जानकारी से इनकार किया। पूर्व विधायक जगजीवन पाल भी पंचों सहित वहां धरने पर बैठ गए। मामला गरमाने की सूचना मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष को शिलान्यास स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया। पूर्व सीपीएस जगजीवन पाल पंचायत प्रतिनिधियों सहित विरोध में डटे रहे। जब वे सभा स्थल की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे तो महिलाओं सहित कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बीच पास खड़े एक व्यक्ति ने पूर्व सीपीएस जगजीवन पाल की गर्दन पर थप्पड़ जड़ दिया। पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक जगजीवन पाल का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी मर्जी कर रहे हैं और यहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ पर भवन का शिलान्यास होना चाहिए था वहाँ नहीं बनाया और पंचायत प्रधान की राय लिए बिना ही अपनी मर्जी से कहीं और शिलान्यास कर दिया।